Okay, very good morning, everyone. Good morning. Myself, James, sir. Today I am going to discuss the chapter, The Living World. Yesterday also, we have already discussed about the living world. So, living world के बारे में हम लोग discuss कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा idea हो गया है. ये हमारा जो दुनिया है, जो वॉल है, जो बायोस्फीयर है, इसमें जो प्लांट स्पेसिस हो या एनिमल स्पेसिस, ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में आज हम लोग. सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग. सो द लिविंग वॉल, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेयर द persons may be come 3 to 4 in every year in the medical entrance examination also in me. Okay. What is life? I have already told you in previous lecture what is life. मैंने बता दिया था कि ये life है क्या होता है, मैंने बताया था आपको. So can you tell my dear sir, friends, what is life? Life क्या होता है? जिसके पास जिंदगी है, जिसके पास जिंदगी है उसको हम लाइफ कहते हैं. लेकिन कैसे टाइप का जिंदगी है? तो ग्रोथ कर सकता है, जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो अपने आप में रिप्रोड्यूस करके एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपना मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कर सकते हैं. ये जिसके पास है उसको हम कहेंगे लाइफ. तो बेटा, life is a unique complex organization of molecules which expressing through the chemical reaction which leads to the growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. मतलब most important point है, जिसके पास growth है, आप लोग देख सकते हैं, जिसके पास growth है, रेस्पॉन्सिवनेस है, डेवलपमेंट जो कर सकता है, एडेप्टेशन कहीं तो खुद एडजस्ट करके रह सकता है, रिप्रोडक्शन कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम कहेंगे क्या? लाइफ कहेंगे. जैसे प्लांट्स का डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, प्लांट्स कैसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, तो आगे चलना. अब देखिए बेटा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है. ये बटरफ्लाई का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक बटरफ्लाई है, ठीक है. और ये बटरफ्लाई जो है आप देख सकते हो, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑर्गेनिजम्स है ये. अपने आप में क्या कर सकता है? ग्रोथ कर सकता है. और क्या कर सकता है अपने आप में? ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपना मेटाबॉलिज्म कर सकता है, अपना जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो कर सकता है. इसके पास कॉन्शियसनेस है, नेस, जान सकता है क्या ठीक है क्या गलत सब. इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रोथ, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ग्रोथ में पहला पॉइंट क्या आएगा भाई? इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ, इट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास सेल बाय द सेल डिवीजन. तो क्या होता है बेटा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इसके के पास ऐसा डिविजन होता है, इसके पास एक ऐसा क्वालिटी होता है जिसके मदद से म्यूटेटिकली डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाता है, और दो से क्या बनाता है?
फिर डिवाइड होके चार सेल बनाता है, चार से आठ सेल बनाता है, ऐसे डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। अब बहुत सारे सेल्स जब बन जाते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज मेड ऑफ टिश्यू, क्या कहेंगे टिश्यू। ऑल ऑफ यू प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रोथ में और क्या क्या हो सकता है। देखो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे एक सिंपल सी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो अंडा देला चिया गोटे अंडा देला के अंडा रु चिया बनला, चिया रु फिर के माई कुकुड़ा बनला, फिर तनु आटी के बोर्ड केंता बनला, फिर आटी के बोर्ड केंता बनला, फिर आटी के बोर्ड केंता दिसु छे सबके। क्लियर ऑल ऑफ यू, कैसे बन रहा इसके बारे में। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है बेटा, द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू डेथ। क्या है लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू डे। बर्थ से लेकर डेथ तक का बीच में जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को टी कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन। क्लियर ऑल ऑफ, इसको हम लोग लाइफ स्पैन। लेकिन आप देखिएगा इन एनिमल्स का केसेस में दे कैन आल्सो ग्रोथ ओनली अप टू सर्टेन एज। प्लांट्स अपना लाइफ स्पैन में, प्लांट्स मान लीजिए बनियन ट्री मैंने बोला 200 इयर्स तक उसका लाइफ स्पैन, तो 200 साल तक वो पूरा क्या करेगा, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। लेकिन एनिमल्स के केसेस में याद रखिएगा, एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज। एनिमल्स अपना एक एज पीरियड तक ग्रोथ करेगा जो रिप्रोडक्टिव एज पीरियड है। मतलब एनिमल्स जगह तक करके आप देखिएगा, मान लीजिए ह्यूमन का केसेस में देखें तो हम लोग क्या 24-25 साल तक हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, 25-30 तक। इसके बाद धीरे 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 सेनेसेंस स्टेज होता है, हम लोग ओल्ड होते जाते जाते, एज हमारा रिड्यूस। ह्यूमन की लाइफ स्पैन कितना है 60 ईयर्स, कितना है ह्यूमन की लाइफ स्पैन 60 ईयर्स। मेडिकल में कभी कभी पूछता है 60 to 100 लिखना है इसको, ठीक है। तो लाइफ स्पैन मतलब क्या है, लाइफ स्पैन टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, याद रखना ठीक है। इसके बाद और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हाउएवर द सेल डिविजन अकर्स टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ सेल। मान लीजिए हमारा बॉडी में लीविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, कहीं घाव लग जाता है, कहीं चोट लग जाते है, कोई सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बेटा फिर से सेल डिवाइड कर करके माइटोटिकली फिर से नंबर ऑफ सेल्स बना के उसको लॉस्ट वाले सेल को रिप्लेस करके न्यू सेल भरता है कि नहीं रे। यस और नो आयुष बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ में और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द मास एंड साइज। ग्रोथ मतलब क्या है, आपकी मास और साइज इंक्रीज करना। ग्रोथ ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है, द ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। जैसे कि माउंटेन का डायग्राम देख सकते हो,
ये माउंटेन भी धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा है. सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो मानेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब माउंटेन भी ग्रोथ करता है, तो माउंटेन को तो हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा सिर्फ ग्रोथ का प्रॉपर्टी को लेके हम नहीं कह सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके लिए ग्रोथ भी होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी होना जरूरी है, मेटाबॉलिज्म भी होना जरूरी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, कॉन्सिक्वेंसनेस भी जरूरी है. ये सारा चीज अगर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा उसको, हम क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फॉर इनसाइड. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का केसेस में आप देखिएगा तो ग्रोथ क्या होता है, इनसाइड. अब सेकेंड कंसेप्ट में आप लोग देख सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़िए. रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का केसेस में आप देखिए बेटा, इट इज द मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फ्यूचर सिमिलर टू दोज पेरेंट्स. मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसके बाद यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, फ्लावर का केसेस भी दिया हुआ है. और यहाँ पे ये तो फ्लावर के केसेस है, छोड़ो, यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख सकते हो जो चीक का है. मतलब एक फीमेल बार्स और मेल बार्स में क्या हुआ, क्रॉस हुआ, तो दोनों से फिर क्या बना, अंडा बना, और ये अंडा हैचिंग होके फिर छुआ जो. जेन एनिमल्स मैंने अंडा देसों तंकु काना क्वेश्चन गो ओबी पारस पशु ओबी पारस क्या कहते हैं, ओबी पेरस. जो एक लाए करते हैं अंडे देते हैं उसको ओबी पारस, और जो डायरेक्टली बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, बीबी पारस. क्या कहते हैं, बीबी पारस कहते हैं बच्चे देने वाले को. और ओबी पेरस जो होता है वो होता है अंडे देने वाले. ये अंडे देने वाले और ये यंग ऑफस्प्रिंग को डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है. क्लियर. तो बेटा जो पेरेंट्स होगा, मान लीजिए आपका मम्मी पापा रिप्रोडक्शन के आज आप बने, तो आपका मम्मी पापा का कुछ कैरेक्टर आप आपके साथ सिमिलर है कि नहीं, मैच करता है कि नहीं, क्वेश्चन कि नहीं. ये मोर पिलाटा तार आए, हमारे बेटा अपना मम्मी का फेस लाया है, हमारे बेटी अपना पापा का फेस लाया है, अपना बेटा जो है अपना बाप जैसा बोलता है. मतलब कुछ जेनेटिकली कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं पेरेंट्स. सो ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो लोग आइदर मे बी एसेक्सुअली या सेक्सुअली. एसेक्सुअली मतलब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, सेक्सुअली मतलब बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. वो लोग प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग. आप आगे चलो. आप कैसे और रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे एल्गी का केसेस में एल्गारी बाइनरी फिजन करता है, एक सेल डिवाइड होके दो डटर सेल बनाता है कि नहीं, एल्गी में बाइनरी फिजन. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को देखने को मिलेगा क्या क्या देखने को मिल सकता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर देखेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका होता है वो आपको सेम देखने को मिलेगा. क्यों सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन. ये सेल डिविजन करते हैं, एक सेल होगा, एक सेल से ये क्या करेंगे, दो सेल बनाएंगे,
दो सेल होगा, फिर ये लोग क्या करेंगे, दो दो चार सेल बनाएंगे, कितना बनाएंगे, चार सेल बनाएंगे। ये क्या है, म्यूटिक डिवीजन, ये सेल का प्रॉपर्टी है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद अगर आप देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन में और क्या क्या केसेस हो सकता है, जो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं म्यूल है, म्यूल, म्यूल बोले का ना रे खचरो, ये म्यूल को अगर हॉर्स के साथ मेटिंग कराओगे, घोड़ा के साथ, म्यूल को हॉर्स के साथ मेटिंग कराओगे तो क्या बनता है, म्यूल को हॉर्स के साथ नहीं, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो इसको हर्ष के साथ नहीं होता है, क्या होता है, गुटे गधों के, गधों वाले डोंकी, गुटे डोंकी के ज्योति हर्ष रो संगे घोड़ा रो संगे क्रॉस कराबो बोले क्या छुआ बनवारी, म्यूल बनवा, क्या ना बनवा, म्यूल बनेगा। तो डोंकी को हर्ष के साथ अगर करोगे तो म्यूल बनेगा, ये वो म्यूल है, ठीक है। So many organisms do not reproduce, example mule. तो ये mules जो होता है ये reproduce नहीं करता है कोई बच्चा। Worker bee अगर देखिएगा, honey bee में अगर worker bee एक होता है, ये worker bee भी कोई भी बच्चा को produce नहीं करता। ये mule भी जो होता है कोई बच्चा को produce नहीं कर पाता। ये infertile होते हैं, क्या होते हैं, infertile, जिसके पास fertile करने का ability नहीं। इनफर्टाइल ह्यूमन का, अब ह्यूमन का केसेस में देखेंगे तो जेन ह्यूमन इनफर्टाइल थीबा, जो ह्यूमन इनफर्टाइल होते हैं मतलब इनएबिलिटी टू कंसीव द प्रेगनेंसी, मतलब उनका केसेस में क्या है, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर शादी करने से भी बच्चा पैदा नहीं होगा, पार्चुरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। मान लीजिए आयुष ने शादी किया किसी लड़की के साथ, अब दोनों ने रिप्रोडक्शन किया, कोइटस किया, लेकिन 5 साल हो गया आज तक आयुष का घर में बच्चा पैदा नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओंझड़ा बांझन पशु, ताकि हम कैश इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का केसेस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, नहीं भी होता है। तो क्या अगर इनफर्टाइल कप्यूल है तो आप लोग कह दोगे कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि सर ये तो प्रोड्यूस नहीं करता है ऑफस्प्रिंग को, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या ऐसे बोलोगे तो चलेगा, अरे नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा, इसीलिए तो यहाँ बोला गया कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर करेगा उसको भी हम नहीं कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस सारा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि हम उसको कह सकेंगे कि ये रिप्रोडक्शन। ऑल ऑफ यू क्लियर, यस सर, अब मेटाबॉलिज्म तीसरा नंबर प्रॉपर्टी की बात चलेंगे। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा बेटा, देखो, इट इज द सम टोटल, यहां पे देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, इट इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लिविंग। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइनिंग करोगे आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद उसको डाइजेशन करते हो, डाइजेशन करने के बाद उसको बॉडी में फिर न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हो, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हो, इजेशन करते हो, इजेशन मतलब बाहर निकालते हो। आप पहला क्या करते हो, देखो आप लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कैसा, आप लोग पहला फूड को इंटेक करते, इंटेक करने के बाद डाइजेशन करते, डाइजेशन करने के बाद आप लोग क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हो न्यूट्रिएंट के साथ, इसके बाद क्या करते हो, रिमूव करते हो,
जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन के बाद रिमूव को हम लोग कहते हैं इजेशन। इजेशन मतलब निकाल। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्लियर के नहीं रे? तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स का केसेस में क्या होता है, प्लांट्स में ऐसे क्या होता है, मिनरल वाटर्स को रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद वो क्या करता है अपना लीव में लेता है, क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट्स और क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होते हैं, ये लोग खुद प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों क्यों इनको प्रोड्यूसर किया जाता है, क्योंकि दे कैन प्रोड्यूस देयर food by the help of light energy and photosynthesis. So all the plants are autotrophs because they can produce their own food material by the help of light energy and photosynthesis. So beta kya hai, wo log bhi khana banane ke baad absorb karte hain, theek hai? To ye kya hai, food hai. To aap log yahan pe dekh sakte hain, food hai. साइक्लिक पाथवे में सेल में कैसे ऑप्टिक लेता है, एनर्जी कैसे लेता है, सेलुलर बाइंडिंग एटीपी के साथ कैसे होता है, हीट कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर कैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को ये करता है, एक एग्जांपल। और मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ सेल इन फ्री सिस्टम। और मेटाबॉलिज्म हम अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का केसेस में देखेंगे तो लेबोरेटरी का कंडीशन में आउटसाइड द बॉडी आल्सो उसको मेजर कर सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग थिंग्स। लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम केमिकली करते हैं आउटसाइड द बॉडी और इन केस ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन, इन विट्रो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, इन विट्रो मतलब नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग थिंग्स। उसमें लिविंग थिंग्स नहीं होता है, लेकिन उसको लिविंग कंपोनेंट बनाने के लिए ही वो रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये प्लांट सेल है आप लोग देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मोर देन वन कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी मोर देन वन कंपोनेंट। सो ऑर्गेनिजम्स जो होता है मेड अप वन और मोर सेल, इसको टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जितने पहले लाइट पड़वा तो मैं से लाइट के देख ले कॉन्शियसेशन से प्लांट्स बने। तो मैं पत्थर गुटे एंता गछ अछे तो मैं छुई देबो, से पत्थर के छुई देले कि सकुरी जीवा हनी भी कि माछी से केन प्लांट्स पे बसला केनता से सेंस करबा जानबा जे के उडे पोसी छी। माकड़ते जते बले कैमरा रे तार फोटो देखला दर्पण रे से केनता करी सेंस करला जानला जे एटा मोर फोटो दिसु छी। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पोंस टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस। तो हम लोग कैसे सेंस करते हैं, रास्ते में एनिमल्स जा रहे हैं, गाड़ी आ रहा है सामने से, वो कैसे सेंस करेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई गाड़ी आ रहा है, साइट हो जाए। हम लोग खाना खाते हैं, कैसे हमें सेंस होता है कि खट्टा है पीता है मीठा है। रास्ता में जाते 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 कांटा लग गया, कैसे पता चलता है कि कांटा लग गया। मॉस्किटो ने बाइट किया, कैसे पता लग गया कि मॉस्किटो ने बाइट किया। देखिए ये सब जो स्मेल, ये ऐसा स्मेल हो रहा है, ऐसा स्मेल हो रहा है, कैसे हमने पता किया, ये सारा होना चाहिए। तो लाइक लाइट का हो, वाटर का हो, टेम्परेचर का हो, अदर ऑर्गेनिज्म केमिकल कोई भी तरह का सेंस आप जान सकते हो, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर्टी होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेरे पास एक डस्टर है, क्या है डस्टर, इस डस्टर को मैं मीठा खिलाऊं या पीता खिलाऊं या कुछ भी खिलाऊं, डस्टर को क्या उसका टेस्ट पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। ये कौन सा टेस्ट है, ये डस्टर खुद अपने आप लोकोमोशन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेस एक्सेप्ट प्लांट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस।
this process is called life. और क्या हो सकता है? All organisms are the aware their surroundings. It is defining property of the living organism. सारे organisms चाहे वो plants हो या चाहे वो animal हो ना, वो लोग अपने आप को aware करता है अपना enemy से, मतलब अपना शत्रु से, कोई उनको मारने आ रहा है। तो ये भी क्या है? एक living organisms का property। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वो जाएगा मारने के लिए, तो उसको पता होता है क्या मुझे कोई मारने आ रहा है? नहीं ना। फिर और क्या देखिएगा, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बायोडायवर्सिटी में, उसमें ह्यूमन एक ऐसा है जो कि अपना सेल्फ कॉन्शियस, वो खुद विचारधारा उसके पास है, खुद के पास इतना नॉलेज है, इतना कॉन्शियसनेस है कि वो गलत क्या है, अच्छा क्या है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है, क्या सोचना है, क्या सोचना नहीं है, एवरीथिंग दे कैन बी। सो ए डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में आप लोग देख सकते हैं बेटा, बायोस्फीयर में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानवर रीजन सर्वाइव कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायोडायवर्सिटी इज लाइफ, इज अवर लाइफ। बायोडायवर्सिटी एक ऐसा लाइफ है जो कि हमारे जिंदगी को रखा है अपने साथ। ये वाला पिक्चर देखिए, the number and types of organism present on earth refers to the biodiversity. जो different types of plants या animals जो living organisms present है, जिनका number present है, इसको हम biodiversity कहते हैं। तो biodiversity in the living world, तो living world में कैसे biodiversity है देख सकते हैं ना, एक ही continent दोनों डायग्राम पहुंचे। तो अभी तक नंबर ऑफ स्पेसिस जो है बेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन एस्टिमेट हो चुका है कि हमारा डायवर्सिटी में इतने प्रकार की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर पाए जाते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, Who is the father of botany? मैंने बोला था Theophrastus, and father of geology Aristotle, father of biology Aristotle. So बेटा एक taxonomy का word आया, किसका word आया? ये medical का question से important है, इसको जरा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? Very very important. So बेटा क्या है? Taxonomy is the branch of science which deals with the study of identification, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम अगर कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स को पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा किंगडम में है, कौन सा ग्रुप में है, फिर क्लासिफाई करेंगे ये टाइगर है, लायन है, डियर है, रेबिट है, मामल्स है, रेप्टाइल्स है, बार्स है, कॉकरोच है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर मतलब क्या है उसका नाम देंगे, चाहे रामू हो, श्यामू हो, राधा हो, रीता हो। बेटा आप लोग को जब आफ्टर बाद आप लोग को आपके पापा मम्मी नाम दिए हैं कि नहीं? अरे यस और नो, नाम दिए हैं कि नहीं? यस सर। क्यों आपको नाम दे? पहले आपको क्या किया, आइडेंटिफाई किए, जब आइडेंटिफाई किए तो पता चला कि आप लोग मामल्स, फिर पता चला कि आप लोग मामल्स में ह्यूमन क्लासिफाई किया गया ह्यूमन, फिर आपको नेमिंग दिया गया आप ह्यूमन हो, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन आपको नाम दिया गया कि आपके नाम आयुष है। अगर यहाँ मामल्स में आप मान लीजिए टाइगर होते तो आपका नाम कुछ और दे दिया जाता, ये अगड़ा टाइगर है, ये काला टाइगर है, ये गोला टाइगर है, कुछ। So taxonomy is the branch of science which deals with the identification, classification, and nomenclature of the organisms.
So who is the father of taxonomy beta? केरला से दिनेश कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है रे बता दो कार्लोस नुनियेस वेरी गुड याद रखिएगा फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो केरला से दिनेश क्या है केरला से दिनेश ये साइंटिस्ट हमारा केरला से दिनेश तो सिस्टमेटिक जो वर्ड था ये सिस्टमा नेचर ऑफ प्लैनेटरियम से डिस्कवर किया गया था इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की बात किया गया था जिसमें किंगडम फिर क्या होगा फाइलम फिर क्लास फिर फैमिली ऑर्डर जेनस स्पेसिस ऐसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया था स्पेसिस इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के सो हु इज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी और सिस्टमानेटर ऑफ प्लैनेटरियम याद रखिएगा केरला से दिनेश फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी केरला से दिनेश और फादर ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आल्सो केरला से दिनेश सो ए सिस्टमानेचर ऑफ बुक्स लिखे थे केरला से दिनेश ने तो फादर ऑफ सिस्टम ऑफ नेचर ऑफ प्लैनेटरियम अगर पूछेगा केरला से दिनेश करना ये कौन है लिनियस साइंटिस्ट 17th सेंचुरी में इन्होंने ये बुक तो सिस्टम ऑफ नेचर इज द बुक रिटन बाय लिनियस ऑल ऑफ यू क्लियर अरे यस और नो यस यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं भाई समझ में नहीं आएगा तो बोल देना ठीक है आ रहा है आयुष बाबू प्रतीक बाबू हेमराज बाबू समझ में हाँ आ रहा है सर वेरी गुड सो हु इज द फादर ऑफ सिस्टम एंड नेचर कार्लस सिलेनियस हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस सिलेनियस हु इज द फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लस सिलेनियस केरला सिलेनियस ने ही ऐसा साइंटिस्ट थे इन्होंने कि प्लांट प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम को पहले डिस्कवर किया इसके बाद बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी का मेन कंसेप्ट क्या था पहला था कैरेक्टराइजेशन वो स्पेसिस का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको आप जब फाउंड करते हो मिलता है उसका कैरेक्टर आपको देखना है और उसका कैरेक्टर का अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करोगे ग्रुप में फिर क्लासीफाई करोगे और फिर उसका नेमिंग करो तो इसका नेमिंग करने के लिए दो चीज दे रखा है ICPN ये मेडिकल में इम्पोर्टेंट है और दूसरा वन इज ICGRM तो ICPN मतलब क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर और ICGRM जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर तो ICPN जो होता है बेटा ये प्लांट्स की नेमिंग करने के लिए यूज किया जाता है किसके नेमिंग प्लांट्स की मेडिकल क्वेश्चन और ICGRM का काम क्या है ये एनिमल्स का नेमिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है ऑल ऑफ यू क्लियर यस सर सो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इसके बाद देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन क्या है मान लीजिए प्लांट ये मान लीजिए एनिमल्स आपको नहीं पता कि कौन सी वैरायटी का प्लांट है क्या है आपको नहीं पता कि क्या हाथी है टाइगर है आप क्या कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे एनाटॉमी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका मॉर्फोलॉजी देखेंगे इसके बाद इनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सब देखेंगे और कैरेक्टराइज करेंगे ठीक है इसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे इसके बाद इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल फिर देखेंगे अगर वो ऑर्गेनिज्म सही तरीके से अगर दिख रहा है सही तरीके से है तो उसको हम नेमिंग करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे पहले क्या कैसे क्लासिफिकेशन
It is the grouping of organisms into convenient category, taxa, taxonomic category. तो इसको बेटा हम क्या करेंगे, कौन सी ग्रुप का है, एनिमल्स है, फंगी है, प्रोटिस्टा है, बार्स है, मामल्स है, रेप्टाइल्स है, क्या है, वो ग्रुप में हम क्लासिफाई. एक सेकेंड लाइन. हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून. हाँ के कहतल. हेलो हाँ हेलो ओ राशेश्वरी बोल रही हो. हाँ सुबह जो बोटनी हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, हम पढ़ा देंगे बोटनी. ठीक है, नहीं तो मानस तो वो भी पढ़ा नहीं पाएगा बोटनी, तो बोटनी हम पढ़ा देंगे. हेलो हाँ राशेश्वरी बोलो. और क्या दिक्कत हो रहा है? केमिस्ट्री भी हो जाएगा, वो केमिस्ट्री सर भुवनेश्वर गए थे, आरआरडी सर आ गए हैं, तो अब केमिस्ट्री क्लास होगा, बात हो गया. और ये जो आपका बोटनी का अगर हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा मैडम, ज्यादा लेंथी पढ़ा रहे हैं. हाँ हाँ वो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ट्रांसलेशन वो सब मैं बता दूंगा, लेकर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स मैं बता दूंगा. ठीक है, वो क्लास में ले लूंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दोनों. और प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? चल रहा है. हाँ ठीक है, मैं भी ये फर्स्ट ईयर का क्लास ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का